नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और इस वक्त मेरे साथ कैमरे पर है देवाशीष मंडल। और आज हम लोग वर्ष के अंत में मौजूद हैं, नवंबर का महीना है और बस एक महीने का इंतज़ार है और उसके बाद लेकिन क्रिसमस डे आने ही वाला है। और ठीक उसी के उपलक्ष्य पर आज केक मिक्सिंग प्रोसेस जो है, आज खास उपलक्ष्य पर रामाटा एंड कोर बाय विंडम सिलीगुड़ी सेवक रोड में इस वक्त हम लोग मौजूद है। और यहाँ पर 50 प्रकार की जितने भी ड्राई फ्रूट्स नट्स होते हैं और इसके साथ साथ जितने भी लीकर्स होते हैं, उन सभी को मिक्स करके यहाँ पर एक केक जो है वो बनाया जाएगा। और आज वही मिक्सिंग सेरेमनी, केक मिक्सिंग सेरेमनी के खास मौके पर हम लोग मौजूद हैं रामाटा एंड कोर में। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, जो कि आप सभी देख सकते हैं। किए हुए यहाँ की जो जीएम है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे सारी डिटेल्स जो है वो लेना चाहेंगे। देखिए, ये पहला केक मिक्सिंग सेरेमनी है अपना। जैसे मैं पहले बताया था आप लोगों के कि अपने होटल 6 सितंबर को चालू किए थे। रिस्पांस इज़ वेरी गुड, रिस्पांस क्वाइट अच्छा मिल रहा है। तो हम लोगों ने सोचे कि फेस्टिव सीज़न घुस रहा है, अभी एक महीना टाइम बाकी है क्रिसमस के लिए, तो कुछ ऐसा करें ताकि सब मिलके थोड़ा फन एक्टिविटी करें, सबको मिलके सबको बताएं कि हम लोग क्रिसमस के लिए बहुत अच्छे केक बनाएंगे सबके लिए, सिलीगुड़ी वासियों के लिए हम क्या क्या देना चाहेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे, हम लोग केक मिक्सिंग के ज़रिए ये फेस्टिव सीज़न को एम्ब्रेस कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड अपना जो ये मिक्सिंग अभी एक महीना रह जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद अपने डिलीशियस केक्स बनेगा, प्लम केक, फ्रूट केक, क्रिसमस केक, और अपना 23 तारीख से चालू होके हम सिलीगुड़ी वासियों के लिए वो प्रेजेंट करना चाहेंगे। और क्या क्या फन एक्टिविटीज़ है जो आप प्लान कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग? देखिए, अभी तो बहुत कुछ है इस महीने। जैसे अभी अपना बिरयानी फेस्टिवल चालू होगा इस महीने नवंबर में, फिर दिसंबर में जैसे आप लोगों को पता है क्रिसमस स्पेशल डिनर रहता है। 31st नाइट को अपना प्लान है बहुत बड़ा, अपना जो टेरेस है वहाँ पे ओपन टेरेस में अपना हम लोग कॉकटेल डिनर का व्यवस्था करेंगे टिकट के हिसाब से। बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों का, मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या होगा नहीं होगा। पीरियडिकल आपको मेल्स मिलते रहेंगे, आप सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। ये जो केक आप लोग बनाएंगे, ये जो बन जाएगा उसके बाद सिलीगुड़ी वासी इसको ले पाएंगे? मैं वही बोला कि ये केक सिलीगुड़ी वासियों के लिए ही है। रामाटा एंड कोर का जो स्पेशलिटी बेकरी है, बेकरी प्रोडक्ट जो स्पेशलिटी है, जैसे अभी हम लोग जो दे रहे हैं पेस्ट्रीज वगैरह, ब्रेड्स वगैरह, वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं सिलीगुड़ी में। तो क्रिसमस टाइम के लिए क्रिसमस केक जो स्पेशलिटी क्रिसमस केक होता है, प्लम केक होता है, फ्रूट केक होता है, वो हम लोग 23rd ऑफ दिसंबर से देना चालू करेंगे। और मुझे ये आशा है कि सबको बहुत पसंद आएगा ये स्पेशलिटी केक। प्राइस क्या होगा? प्राइस अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन प्राइस ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब ले नहीं पाएंगे। प्राइस हम लोग मॉडरेट रखेंगे, पहला साल है, हम लोग चाहते हैं कि सब आए, अपना प्रोडक्ट का मजा ले, प्राइस को मत देखें, प्राइस बहुत मॉडरेट रहेगा। मेरा नाम है प्रियो ब्रतो, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल, वेलकम, थैंक यू। तो ठीक, यहाँ पे यहाँ के जीएम सब लोग बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर आप सभी ने देखा कि जितने भी यहाँ के सेफ है, जितने भी स्टाफ है, सभी एक एफ्रन पहन के और टोपी पहन के सर पे और यहाँ पे केक मिक्सिंग कर रहे थे, वो सारी तस्वीरें दिखाई। और यहाँ के ओनर जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस एक ही महीने बचे हुए हैं। सर, आज के इस खास कार्यक्रम के बारे में क्या बताइए? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण की। ये एक हमारा एनकोर का फर्स्ट केक मिक्सिंग है, ये एक यूरोपियन कल्चर है, 17वीं सदी में शुरू हुआ हुआ, वो लोग हार्वेस्ट सीजन को ना वेलकम करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था, तो कोई टाइम पे एंड उसके बाद में ये धीरे धीरे कल्चर बन गया कि ये सोसाइटीज़ में होने लग गया। अब ये बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर अब हम लोग टू मार्क द फेस्टिवल सीज़न, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, उसके आगमन पर ये एक फन सेरेमनी है। एंड ये ड्राई फ्रूट्स एंड वाइन एंड फ्रूट जूसेस मिक्स करते हैं विथ
ड्राइड कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे स्पाइसेस, वो भी डाला जाता है। फिर ये वाले यूज़ होते हैं केक बनाने के लिए, व्हेन वी मेक द केक्स ना क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे, इस ये ड्राइड फ्रूट यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द सेरेमनी, सो इट हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो लोगों के लिए इस सिलीगुड़ी में शायद और होटल्स इस साल कर रहे हैं, बट वी फील कि वी विल कैरी इट, इट विल बी फन। वी वॉन्ट एवरीबडी फ्राम सिलीगुड़ी कि आएँ और इन्जॉय करें क्रिसमस हमारे साथ, न्यू ईयर हमारे साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और इनसे बातचीत करे थे, यहाँ के जो ओनर थे इनसे हम लोग बातचीत करे थे, और जो जानकारियाँ हैं वो आप सभी ले रहे थे। और इसके साथ साथ जो यहाँ के जो सेफ हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि जो हमारे स्पेशल सेफ हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो क्रिसमस की कुछ ही दिन बची हुई है, उसके पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपको भी, आपको भी, आपको भी, हम लोगों की तरफ से रमा डाइन को सिलीगुड़ी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश जी, सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे 50 इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिलाई गई, क्या कुछ इसमें है? कैशोनट है, रेजिन्स है, आप टूटी फ्रूटी जानते हो डिफरेंट कलर्स के टूटी फ्रूटी जाते हैं, पिस्ताचियोज है उसमें, आपका एलमंड है, वॉलनट्स है, फिर अब जितना ड्राई फ्रूट आप सोच सकते हो, फिर आपका ड्राई जिंजर है, फिर ऑरेंज पील्स है, ऑरेंज जेस्ट है, मुरब्बा डालते हैं हम लोग तो ऐसे कर, फिर सिनामन है, क्लोव्स है, फिर आपका जो और भी सारे ऐसे बहुत सारे आइटम है 15 to 16 टाइप्स के जो है हम लोग सारे डालते हैं उसमें। और ये एक महीने हम लोग सारे लिकर आपका हुस्की ब्रांडी रम जो भी है उसमें हम भिगो के रखते हैं ताकि दोनों का जो एरोमा है वो पंच हो जाए, एंड जब हम लोग केक बनाएंगे इट विल गिव ए नाइस एरोमा, नाइस टेस्ट। जब आप केक को खाएंगे ना तो इसका जो एक फ्लेवर है लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड अल्कोहल का, इट विल ब्लो योर माइंड एक्चुअली। एंड उसके बाद जो आप टेस्ट जो लगेगा, एक लिकर का टेस्ट है, एक फ्रूट का टेस्ट है, सो इट्स ऑसम एक्चुअली। तो इसीलिए एक महीना भिगो के रखते हैं कि सारा जो जूस है, सारा जो एरोमा है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए एक दूसरे के साथ। जी, यही जाना था कि एक महीने पहले ये मिक्सिंग सेरेमनी, तो इसमें कितनी अगर हम लोग वेट की बात करें तो क्या वेट पे डिपेंड करके तैयार होगा? वेट मतलब वही, आज 19 तारीख है तो हो सकता है अगले वजन की बात करें। वजन तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है कितना केक बनाना है, तो 50-60 किलो तो 100 किलो बनेगा, क्योंकि हम लोगों का जो क्लाइंट्स हैं उनको गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट देना पड़ेगा, फिर हम लोगों की बेकरी है, खुद की अपनी बेकरी है, उसमें सेल होगा, फिर ये रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये तो रहेगा अभी तो स्टॉक किया हुआ, जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे, रिक्वायरमेंट आते जाएंगे, हम लोग बनाते रहेंगे। बिल्कुल सर। और इसके साथ साथ 25th दिसंबर के लिए और 31st नाइट के लिए क्या कुछ स्पेशल रहने वाला है? 24th, हाँ 24th हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्रिसमस ईव का बुफे देने के लिए, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा पहले से ही। एंड न्यू ईयर ऑफ कोर्स विल बी डूइंग समथिंग गुड, कुछ हैपनिंग करेंगे, म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, अच्छा खाना पीना सब की, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए ग्रैंड अफेयर इन क्रिसमस एंड न्यू ईयर, एंड you'll be informed well before. Thank you. तो यहाँ पे हम लोग ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर रामा रैन को बाय विंधम सिलीगुड़ी सेवक रोड जो है वो एक हम कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी में शायद इससे पहले इस प्रकार की कोई तस्वीर शायद देखने को मिली, लेकिन रामाडा में ये फर्स्ट टाइम ऐसे क्रिसमस को लेकर के केक मिक्सिंग सेरेमनी पे हम लोग मौजूद थे, यहाँ की तस्वीरें दिखाए। और ये जो केक बन के तैयार हो जाएगा 23 तारीख से रामाडा में इनकी जो बेकरी है यहाँ पर आप आके ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, और इसको टेस्ट भी करना चाहिए क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जब ये बनाया जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लजीज तो ये केक होने ही वाला है। और क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं एसके लाइफ की तरफ से। थैंक यू।